बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। पुलवामा हमले को लेकर आतंकवादी का किया पुतला दहन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए सीआरपीएफ जवानों पर हमले को लेकर आज बेगमगंज हिंदू जागृति मंच के तत्वाधान में जैसे मोहम्मद का पुतला जलाया गया एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं उपस्थित लोगों ने शोक जताते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को दिया ज्ञापन। शहीद जवानों के लिए नम आंखों से दी श्रद्धांजलि बेगमगंज। देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहने वाले आरपीएफ के वीर जवानों पर कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों के लिए नागरिकों की आंखें हुई नम, जहां सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर आतंकी हमले की घोर निंदा करते हुए बस स्टैंड से गांधी बाजार विजय स्तंभ तक कैंडल मार्च निकालकर शहीदों की नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। शाम करीब 6 बजे नगर के लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पुलिस बल, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी सहित नगर के सभी वर्गों के लोगों ने शामिल होकर नया बस स्टैंड से कैंडल मार्च प्रारंभ किया, जो सागर भोपाल मुख्य मार्ग पुराना बस स्टैंड से होते हुए गांधी बाजार स्थित विजय स्तंभ पहुंचा, जहां पर सभी ने गांधी स्मारक के सामने शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त कर उनकी आत्मा को शांति के लिए कामना की व देश के आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार से मांग की। हम आपको बता दें, कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला, देश भर से उठी मांग, लो बदला लो बदला। देश में एक स्वर में उठ रही है मांग। पुलवामा के अवंतीपोरा में सीआरपीएफ के वाहन में मारी टक्कर, आईएस की तर्ज पर किया हमला, बस से भिड़ाई विस्फोटक से भरी कार, 78 वाहनों का था काफिला, काफिले में 2,547 जवान थे सवार। वाहनों में जिस कार में सेना की बस से टक्कर मारी उसमें 200 किलो विस्फोटक से भरी हुई थी, 50 जवान शहीद हुए, कई जवान घायल हुए, कई जवान गंभीर हैं। सरकार ने सेना को खुला छोड़ दिया और कहा कि समय स्थान आपका, हमने सेना से साफ कह दिया है, चुन चुन का ढूंढ ढूंढ कर मारो, और सफाई का काम जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पाक को दिया प्रधानमंत्री ने अल्टीमेटम, फौज को स्वतंत्रता दे दी, सेना के हाथ खोल दिए, बस अब आप देखते रहिए किस तरह से आतंकवादी का सफाया शुरू होने वाला है। बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट थी। नरसिंहपुर गोटे गांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जबलपुर इटारसी रेल खंड में रेल प्रशासन लूट की वारदात पर रोक लगाने में असफल साबित हो रही है। यह लूट की वारदातें लगातार घटित हो रही हैं। गुरुवार 14 फरवरी की रात में इलाहाबाद कन्याकुमारी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन में नरसिंहपुर से करेली के बीच हथियारबंद नकाबपोशों ने ट्रेन में यात्रियों से मारपीट करते हुए जमकर लूटपाट की। ट्रेन की 5-6 बोगियों में नकाबपोशों ने चाकू कट्टा अड़ाते चमकाते हुए यात्रियों के जेवर, नकदी व मोबाइल लूटकर पीड़ित महिलाओं ने बताया कि चाकू के नोक पर धमका, मेरे को काफी देर चाकू भी 2-3 बार मारने की कोशिश की गई है और मैं उनसे कुछ किया हूँ बातचीत भी, तब तक उन्होंने मेरा चैन बोला कि चैन है, चैन तोड़ के दिया। पर्स मांग रहे थे, मम्मी के पास जो चैन रखी थी। सागर से हमारे संवाददाता राम अवतार पटेल की रिपोर्ट। सागर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज भगवानगंज में बाबा साहब अंबेडकर मूर्ति के पास भाजपा युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले का कड़ा विरोध करते हुए पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके बाद अंबेडकर मूर्ति के पास एकत्रित मौन होकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सागर से हमारे संवाददाता राम अवतार पटेल की रिपोर्ट। खंडवा से हमारे संवाददाता अखिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। पुलवामा आतंकी हमले के खिलाफ खंडवा में भी जन आक्रोश देखने को मिला। नगर में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में इमलीपुरा में मुस्लिम समुदायों ने 2 अलग-अलग आयोजन कर पाकिस्तान का पुतला फूंका और आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही केंद्र सरकार से यह मांग भी की गई कि इस मामले में केंद्र सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एवं भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा इमलीपुरा में 2 अलग-अलग स्थानों पर पाकिस्तान का पुतला फूंका और कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती
आतंकी हमले की निंदा करते हुए पीएम मोदी से यह अपील की गई कि केंद्र सरकार पाकिस्तान से संबंध खत्म करे। खंडवा के मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वही इसी क्रम में खंडवा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर के केबला राम चौराहे पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर पाकिस्तान का पुतला फूंका। काश्मीरी आतंकी हमले में मारे गए जवान